नमस्कार मित्रों, वो लाइव किसी कारण बाधित हो गई थी तो हम पुनः आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं सचिन भाई के पेज पे। और प्रयास यही होगा कि जो भी संशय है साधना से संबंधित, मानव जीवन से संबंधित या कि अध्यात्म से संबंधित, उन संशयों का निराकरण हो, सभी शंकाओं का समाधान हो सके। तो आप लोग जो कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अपनी साधना से संबंधित, कि आप जो पूजन करते हैं, जप करते हैं, आप जो कुछ भी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से प्रभु कृपा प्राप्त करी जाए, किस प्रकार से भगवान को रिझाया जाए, किस प्रकार से ठाकुर जी को मनाया जाए, तो वो जो प्रश्न आपके मन में है आप सभी प्रश्न सामने प्रस्तुत करेंगे और प्रयास करेंगे आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे सके और सभी की समस्याओं का समाधान हो सके, संशयों का निराकरण हो सके। तो इस प्रयास से हम यहाँ पे आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो जो भी मेरे बंधु, जो भी मेरे मित्र, जो कुछ भी पूछना चाहे आप हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़े हैं शैल उपाध्याय जी। शैल जी, आपको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, रघुनाथ जी की कृपा आप पे, आपके जीवन पे हो, इसी भाव से। तो जो भी मेरे भैया जो कुछ पूछना चाहे, नहीं तो याद रखना जीवन में पछताना पड़ेगा और बाद में समय नहीं मिलेगा। इसलिए कहा अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ऐसी अवस्था ना। इसीलिए हाँ, जीवन के दिन अब बीत गए पर अंत में रोना पड़ेगा। अगर अभी नहीं चेते तो अंत में रोना पड़ेगा। ये पत्नी, ये बच्चे, ये माता पिता, ये संसार, ये जगत के संबंध ही ये आपके जीवन तक साथ हैं, पर जब जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, हरि का बुलावा आ जाएगा और आपको हमको शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा न चाहते हुए भी, तो उस समय आपका धन क्या है, आपकी संपत्ति क्या है? यहाँ की संपत्ति और यहाँ के संबंध आपके साथ नहीं जाने वाले, यहाँ की संपत्ति और यहाँ के संबंध आपके साथ नहीं जाने वाले, आपके साथ क्या जाएगा? कहते हैं नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तो ले पाएगा। हरि का नाम, भगवान नाम संकीर्तन, कितना जप, कितनी साधना, कितनी सेवा, कितनी याद परमात्मा की जीवन में बनी रही, वो क्षण, वो संपत्ति आपके साथ जाएगी। तो प्रयास यही होना चाहिए कि समय रहते ही चेत जाया जाए, नहीं तो रोना पड़ेगा। इस भजन के माध्यम से सुनिए। जीवन के दिन अब बीत गए पर हाय मिले घनश्याम नहीं। जीवन के दिन अब बीत गए पर हाय मिले घनश्याम नहीं। तन उन पे न्योछावर कर डालो अब और किसी से काम नहीं। जीवन के दिन अब बीत गए पर हाय मिले घनश्याम नहीं। भगवान कहाँ मिलते हैं, नहीं तो जीवन के दिन बीत जाएंगे और परमात्मा मिलेंगे नहीं, ये पछतावा होगा, तो परमात्मा मिलेंगे कहाँ? इन पंक्तियों में ध्यान से सुनिए। वर्षा के रिम झिम बूंदों में काली घन घोर घटाओं में, सावन के इस हरियाली में लहराती ललित लताओं में, झरझर करते इन बूंदों में नदियों की इन धाराओं में, आनंद न बिल्कुल आता है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। आनंद न बिल्कुल आता है अब इन प्राकृतिक छटाओं, इस सुंदरता से मतलब क्या, इस सुंदरता से मतलब क्या, जब पास मेरे घनश्याम नहीं।
जीवन के दिन अब बीत गए पर हाय मिले घनश्याम नहीं। पछताना पड़ेगा, इसलिए समय है तो चित जाइए। सभी लोग थोड़ा थोड़ा अब लॉकडाउन में घर में पड़े हैं तो किया क्या जाए। देखिए मनोरंजन अच्छी बात है, मनोरंजन कई प्रकार के होते हैं। देखिए जीवन में सात्विक राजसिक और तामसिक तीन प्रकार की वृत्तियां हैं। आप चाहिए तो अगर आप राजसिक वृत्ति की अनुभूति करें तो आप फिल्म देख लीजिए, कुछ रजोगुण को बढ़ाने वाले दृश्य देख लीजिए, रजोगुण को बढ़ाने वाले गीत सुन लीजिए, इससे राजसिक आनंद आएगा। तामसिक का आनंद क्या है, जब लोग जैसे आज एक बहुत हृदय को विदीर्ण करने वाली घटना मैंने देखी, एक साधु जो शायद पालघर में जा रहे थे, दो साधुओं की टोली अपने गुरुदेव के अंतिम संस्कार में लोगों ने पीट पीट करके मार डाला उनको। अब न जाने क्या दुश्मनी थी उनको, परमात्मा जाने, पर ऐसे 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 में भी लोगों को आनंद तो आता होगा। और ये आनंद तामसिक आनंद है साहब, लोगों को दुखी करके, लोगों के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके, सभी को परेशान कर करके भी लोगों को कुछ सुख मिलता है, ये तामसिक वृत्ति है व्यक्ति की। लेकिन हमको अब देखिए तीनों के तीनों गुण आपके हमारे भीतर में है जो मुझसे जुड़े। भैया नीरज भैया की बार बार ये प्रार्थना रहती है कि राम कथा सुनाई जाए। मैं मेरे पास पूरे साधन नहीं है भैया, आपको बता दूं, मुझे एक मेरा जो मोबाइल है वो पूरी तरह थोड़ा जो सेल्फी कैमरा है वो थोड़ा खराब हो गया है, तो लाइव आना संभव नहीं हो पाता अपने मोबाइल से, और होता क्या है उससे, और इसलिए कथा संभव नहीं है। जैसे ये लॉकडाउन के कारण मैं ले नहीं पाया, लॉकडाउन समाप्त होगा तो फिर मैं, मेरी भी हृदय में ये भाव है कि मानस की कथा की अविरल गंगा प्रवाहित करी जाए ताकि सभी को इसका लाभ मिल पाए, तो मानस की कथा अवश्य करेंगे। और मानस तो भैया मानस ही है। देखिए अब मैं विषय पे आ जाऊं, ये जो तीनों गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों के तीनों गुण आपके हमारे भीतर है भैया, मनीष मंजुल भैया, पंडित नीरज भैया, ये तीनों के तीनों गुण आपके हमारे भीतर है। और ये तीनों गुण से करना क्या है हमको भैया, देखिए तमोगुण में जब हम हैं, हमको भी होता, हमारे भीतर भी कभी तमोगुण प्रभावी हो जाता है तो हम भी लोगों को परेशान करके, लोगों को दुखी करके बड़े प्रसन्न होते हैं, किसी को दो थप्पड़ मार करके बड़ा आनंद आता है ना। नीरज भैया को तो भैया देखो जय जय सीताराम। तो ये क्या है, ये हृदय की तमोगुण वृत्ति है, तो हमको तमोगुण से रजोगुण की यात्रा करनी पड़ेगी ताकि ये तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़े, रजोगुण से सतोगुणी बने। जब सतोगुणी बनेंगे तो क्या होगा, सतोगुणी जब आप हम भजन बनेंगे भैया तो हमको आनंद आएगा, तब हमारे हमारे मनोरंजन का साधन गीतों में भजन होगा, दृश्यों में राम कथा होगी, है ना। हम देखना चाहेंगे राम कथा, हम देखना चाहेंगे कृष्ण कथा, ये सतोगुण के प्रभाव के कारण होगा। जब हम आगे की यात्रा जीवन में ऊपर उठना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए साधना बहुत आवश्यक है। जब आप सतोगुण की ओर जब सतोगुण की ओर आप बढ़ेंगे तो भैया यहाँ पे क्या होगा, आप जब सतोगुणी बन जाएंगे तो आपको आनंद सत्वगुण में आएगा। और सतोगुणी का भोजन क्या है, सतोगुणी का स्वभाव क्या है, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में जब आप उसका पाठ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सतोगुण खाता क्या है। सतोगुणी व्यक्ति का भोजन राजसिक नहीं होगा, सात्विक भोजन होगा। सात्विक भोजन मधुर होता है, मधुर भोजन करे जिसमें बहुत अधिक तेल ना हो, बहुत अधिक मसाले ना हो, जिससे केवल शरीर चलता रहे, बस इतना भोजन। अधिक भोजन सत्वगुणी व्यक्ति नहीं करता तो शरीर भी आपका निरोगी बन जाएगा, ये सत्वगुण के प्रधानता के कारण। और फिर तीनों गुणों को छोड़ करके त्रिगुणातीत हो जाना है और केवल केवल हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, इसीलिए भजन करो, वही हमारे हैं। राम कथा भागवत कथा सुनने से क्या मिलेगा, आप जब सत्संग करेंगे तो आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। जब होवे सच्चा प्यार, और जब सच्चा प्यार हो जाए किससे, भगवान से। देखिए जब वैराग्य कब उत्पन्न होगा, जब आपकी पत्नी आपको डंडा लेके दौड़ाएगी ना साहब,
तो हृदय में आपको वैराग्य उत्पन्न होगा। जब आपके माता पिता आपको दुख दे, संसार आपको दुख दे, रिश्ते संबंधी आपको दुख प्रदान करें, तो क्या किया जाए? तब आपको इनसे जो आपको प्रेम है, जो झूठा प्रेम जिसे मिथ्या जगत की माया कहते हैं, जो हम माया में फंसे हैं, तो सबके ममता ताग बटोरी, जो जो ममता है माता पिता पुत्र पत्नी का, इनको बटोर करके हम जब भगवान की ओर दौड़ पड़ेंगे, और तब क्या होगा? जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, तब प्रेम होगा और तब भगवान मिलेंगे। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, 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 हो जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, तार से तार जुड़ जाए जब, जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठे शबरी माई, उसके लिए देखिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप हम आजकल महाराष्ट्र में साईं बाबा की खूब भक्ति होती है, सभी लोग दर्शन करने जाते हैं, शिरडी जाते हैं। साईं बाबा के दो सूत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी, है ना। श्रद्धा मतलब परमात्मा के प्रति श्रद्धावान रहिए, और सबूरी मतलब सबर करिए। सबर मतलब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैया शबरी ने क्या किया? वन में बैठे शबरी माई राम नाम से लगन लगाई, है ना। शबरी मैया अपने गुरु अगस्त ऋषि के कहने पर, मतंग ऋषि के कहने पर, क्षमा करिएगा, वहां पर बैठ करके वन में प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। इस भाव से वन में बैठे शबरी माई राम नाम की लगन लगाए, और तब दिए दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया, 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 हो जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। भैया मैं अपने, आप ज्ञानेश तिवारी सर्च करिए, जो लोग मुझसे जुड़े मेरे पेज पे आइए, मैं अपने पेज पे लाए हूँ, ताकि जो मुझसे जुड़े मेरे मित्र हैं, जो बार बार कथा सुनना चाहते हैं, वो लोग इस कथा का या इस सत्संग का लाभ ले सके। भैया नीरज भैया आपसे अनुरोध है, विनीत भैया, मंजुल, मनीष दुबे, मंजुल भैया आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और जो मुझे सुनना चाहते हैं नीचे देखिए मुझे टैग किया गया होगा, मैं लिंक भेज दूंगा। ज्ञानेश तिवारी सर्च करिए, मैं उस पेज पे लाइव आ रहा हूँ, वहां से हम लोग सत्संग की धारा प्रवाहित करेंगे। आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।